हसीना मलिक, तेज तर्रार होशियार। पिछले दो बार तो तुमने किसी तरह से हमारे कहर से लोगों को बचा लिया, लेकिन इस बार त्योहार के मौके पर हम तुम्हारे शहर लखनऊ में हैं, और इस बार तुम्हारे शहर लखनऊ में ऐसा कहर बरपाएंगे कि सिर्फ लखनऊ नहीं पूरा उत्तर प्रदेश हिल जाएगा। तो इस बार तुम्हारे शहर में देवी माँ की कृपा से ऐसी जगह चोरी करेंगे कि सोचती रह जाओगी। अरे बादशाह, वो हसीना मलिक है, उड़ते परिंदों के पर गिन सकती हैं, हम तो फिर भी मामूली चोर हैं। क्यों हसीना मलिक, अब तो तुम जान गई होगी कि हम तुम्हारी पुलिस लाइन के सबसे बड़े पंडाल में रखे सबसे कीमती डायमंड आभा को चुराने वाले हैं। का? वो भी सबकी आंखों के सामने। तो रोक सको तो रोक लो SHO हसीना मलिक। हम आ रहे हैं मैडम। सर ये ठीक है, सबने सब कुछ सुन लिया है, सबको पता है लखनऊ में क्या होने वाला है। हमारे पास बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ये जो कुछ भी प्लान कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। हम लखनऊ में चोरी नहीं होने देंगे, क्लियर? ऐसा ही होगा मैडम सर। इन्होंने देश के हर कोने में जाके चोरियां की है, लेकिन आज तक पकड़े नहीं गए, और पकड़े इसलिए नहीं गए क्योंकि आज तक उत्तर प्रदेश नहीं आए। इन्होंने ना एकमात्र आखिरी मिस्टेक किया अपनी लाइफ का उत्तर प्रदेश में आके, क्योंकि यहाँ से तो वो सीधा अंजाम तक ही पहुंचेंगे। बिल्कुल सही मैडम सर, हम बहुत जल्द उन्हें पकड़ेंगे और सीधा जेल के अंदर डालेंगे। पकड़ेंगे, इस बार तो उन्हें पकड़ के रहेंगे। संतोष शर्मा, ये जो आभा नाम का हीरा है ये कौन से पंडाल में लगा है? पुलिस लाइन का मैदान मैडम सर, और ये जो इवेंट है ये नारायणी देवी ज्वेलर्स स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो तैयारियां भी बड़े लेवल पे हो रही है। जी मैडम सर, इस बार पुलिस लाइन के नवरात्रि महोत्सव में ये जो आभा नाम का हीरा है ना, ये मुख्य आकर्षण है, जिसको नारायणी देवी ज्वेलर्स जो है लोग माता के चरण में रखवाए हैं पूजा के लिए। इसलिए मैडम सर, हेडक्वार्टर से इस पंडाल की सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष आदेश पारित हुए हैं। हम सबका ड्यूटी वहीं लगा है मैडम सर, ये बहुमूल्य हीरा आभा की सुरक्षा के लिए। ठीक है, बिल्लू को बुलाइए। चोर को पकड़ने में सबसे अच्छा चोरी काम आता है। ओह माय गॉड, मुझे लगा था कि आजकल के चोर और चोरियां ऑनलाइन हो गए, लेकिन नहीं, कुछ कुछ चोर है जो अपनी चोरी की कमाई, मेहनत की कमाई खा रहे हैं। अरे रे, 1.5 फुट का सफाचट दार्शनिक इंसान, आँख खोल और अनुभव से बताओ ना यार। एक्सपीरियंस से बताओ ना यार कि क्या हुआ है। हाँ, तो मेरा चोरी के वर्ल्ड का जो एक्सपीरियंस है 20 साल का, उसको मद्देनजर रखते हुए इनकी जो ताकत है वही कमजोरी है। क्या मतलब? मतलब जब ये साथ है तब खास है, अलग है तो बकवास है। मतलब एक साथ है तो कुछ भी कर सकते हैं, अलग अलग हुए तो कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब अलग अलग होकर वो मूंगफली भी छीन नहीं सकते। ओके, इसका मतलब जब ये दोनों नवरात्रि के पंडाल में इस चोरी को अंजाम देने आएंगे, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो दोनों साथ में ना हो। हाँ, पर मैडम सर ये कैसे होगा? उन दोनों को अलग आने पे कैसे मजबूर कर सकते हैं हम उनके बारे में कुछ जानते भी तो नहीं है। तजुर्बा कहता है हमारा कि अकलमंद को सच्चाई से, घमंडी को चापलूसी से, और चोर को चतुराई से ही हराया जा सकता है। एक काम कीजिए, शहर के हर गली कोने में ये पोस्टर लगवाइए, ये अफवाह फैलाइए, ये न्यूज पहुंचाइए कि बेगम और बादशाह से इम्प्रेस होकर कई सारे चोर उन्हीं के तरीके को कॉपी कर रहे हैं, नवरात्रि के पंडाल में जाकर चोरी कर रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं। पुलिस की, शहर के हर एक इंसान की नजर अब इन कॉपीकैट चोरों पर है, जो बेगम और बादशाह को कॉपी करके उनकी तरह चोरियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया मैडम सर, ऐसे तो फिर ये असली बेगम, बादशाह, पुलिस और पब्लिक के डर से पुलिस लाइन के इस पंडाल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे एक साथ। एक पंथ दो काज हो जाएगा मैडम सर, पब्लिक का भी डर, पुलिस का भी डर। नहीं मानना पड़ेगा मैडम सर, बात तो है आप में, इसमें कोई शक का गुंजाइश नहीं। अब आएगा मजा। ये हमारी आखिरी चोरी है ना बादशाह, इसके बाद हम शादी करके सेटल हो जाएंगे ना, तुमने प्रॉमिस किया था, अपना वादा मत तोड़ना। यार ऑफ कोर्स बेबी, यही प्लान है। पता है क्या करने वाले? ये आखिरी हाथ मारेंगे, अपना फ्यूचर सेट, फिर बढ़िया पहाड़ों में जाके अपना घर लेंगे,
और वहां पर सिर्फ हम तीन रहेंगे, तुम, मैं, हमारा प्यार। Oh, I love you. अच्छा चलो चलो, अभी ताजा खबरें सुनते हैं हमारे बारे में। आओ। बेगम और पाशा नाम के नामी चोरों के नाम पर फर्जी चोरों के कारनामे अब बढ़ते ही जा रहे हैं। बेगम और पाशा के नाम पर ये चोर जोड़ियां बनाकर नवरात्रि के पंडालों में घुस रहे हैं और चोरियों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस की धरपकड़ अब तेज हो गई है और ऐसी चोर जोड़ियां रोजाना पकड़ी जा रही है, पर पकड़े जाने के बाद ये चोर जोड़ी अपना नाम बेगम और बादशाह बता रही है। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं है कि हम चोरों के लिए ब्रांड बन गए। अरे हम सेलिब्रिटी बन गए, सेलिब्रिटी। अरे नहीं यार, पूरा खराब हो गया। अब इस न्यूज के वजह से इस शहर में जितने नवरात्रि इवेंट हैं और जितने पंडाल हैं, वहां पर पुलिस और चौकन्नी हो जाएगी और वहां पर जितने कपल आने वाले होंगे सबके ऊपर नजर रखेगी, और हम जोड़ी में गए तो हमारे ऊपर भी नजर रखेगी। अब इसी चक्कर में हमारा आभा हीरे तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तुम परेशान मत हो, हम वहां जाएंगे भी, चोरी भी होगी और वो चोरी हम ही करेंगे। यसे चोरी करेंगे। आइए सब लोग, माँ का आशीर्वाद ले लीजिए। आइए। वेलकम टू लखनऊ। बहुत अच्छा लगा कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पर हमारी मदद के लिए यहाँ आ गए। थैंक यू सो मच, आई एम ग्लैड कि आपने मदद के लिए मुझे बुलाया। चलिए अंदर चलिए, चलिए चलिए। करिश्मा सिंह, आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। जी। संतोष शर्मा और अदिति हमारे साथ मेन गेट पर रहेंगे, आने जाने वाले हर इंसान को चेक करेंगे, ठीक है? आप जो हैं। ये रही मैडम। एक मिनट। वाओ। हेलो हसीना जी, आपने तो कमाल का इंतजाम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैंने सुना है कि आपका साथ देने के लिए मुंबई पुलिस से भी कोई आ रहा है। जी हाँ, अदिति नाम की एक ऑफिसर है, फिलहाल सीसीटीवी रूम में है, थोड़ी देर में आती होंगी। आप देखिएगा, लखनऊ पुलिस, मुंबई पुलिस और हम सब मिलके उन चोरों को पकड़ेंगे तो निगोड़े बदमाश चोर जरूर पकड़े जाएंगे। बिल्कुल। सोने का कलश लेके भागे हैं वो चोर, देखना ये दक्षिण जोशीपुरा उन्हें छोड़ेगा नहीं, मैं शपथ लेता हूँ। अगर मैं कलश लिए बिना गया तो मैं सोसाइटी के सेक्रेटरी पद से त्याग पत्र दे दूंगा। का? ऐसा बोल सकता था, पर आई नो आप लोगों के होते ऐसा होगा नहीं। हाँ मैडम जी, मेरी बेटी का नौलखा हार लेके भाग गई ये दोनों कंबकत चोर। मेरी बेटी के ससुराल की तरफ से आया था ये हार। मेरी बेटी का ये हार वापस पाने में आप मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज। देखिए देखिए, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आई विल मेक श्योर कि आपकी बेटी का हार आपको वापस मिल जाए। बस आप लोग इस तरह से इन दोनों चोर को पकड़ने में हमारी मदद कीजिए, ठीक है? फॉलो मी। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट जी। मैडम सर। ओके, करिश्मा सिंह जी, आपको जो है मॉनिटर करना है, जितने भी आने जाने वाले लोग हैं उन सबको अच्छे से चेक कीजिए, कोई भी सस्पिशियस लगता है तुरंत हमें बताइए। क्लियर? आप जा सकती हैं। मैडम सर, आपने हमें नहीं बताया हमें क्या करना है। चीता चतुर्वेदी, हमने तुमको जो जो बताया था पुष्पा जी को समझा दो। मैडम सर, ये चीता जी प्लीज, इनको पुष्पा जी टाइम पास कर रहे, चलिए जाइए। चलो सब ठीक है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं? मैडम सर, अच्छे लग रहे। मैडम सर, ये कौन है? पुष्पा। ठीक है, चलिए आप सबके कॉस्ट्यूम्स बिल्कुल परफेक्ट हैं, पता है ना क्या करना है? हाँ मैडम सर। पंडाल में जितना भी लोग है ना, सब पर एकदम ऐसे पूरा नजर गड़ाए रखना है, ध्यान देना उन लोग पर है ना? नहीं, माता की मूर्ति के आके जो आभा नाम का हीरा रखा है उस पर नजर रखनी है। कैसे रे पुलिस में भर्ती किए थे? एक सेकंड के लिए भी उस पर से नजर नहीं हटनी चाहिए, और अगर कोई भी संदिग्ध इंसान आपको अगर लगे तुरंत हमें बताइए। क्लियर? जी मैडम सर। मगर मैडम सर एक बात पूछे हम। हाँ। आपको नहीं लगता कि ये कुत्ता बनना हमारी प्रतिभा से मेल नहीं खाता? हमें छोटा सा प्यारा सा खरगोश होना चाहिए। माँ कैसी
बस बस पुष्पा जी बस हो गया आप सबका। हाँ हम यहाँ काम करने आए। ओके प्लीज जाइए यहाँ से। जी जी मैडम सर आइए आइए। अच्छा हुआ हम ग्रुप में, वरना कपल को देख के किसी को भी शक हो जाता कि कहीं हम ही वो बेगम पाशा वाली चोर जोड़ी तो नहीं है। बिल्कुल देख नहीं रहे, कोई भी जोड़े में नहीं दिख रहा है। सभी लोग या तो अकेले जा रहे हैं या फिर ग्रुप में जाना प्रेफर कर रहे हैं। एक्चुअली खामोखा पुलिस के पचड़े में कौन पड़ना चाहता है बाबा। देख रही हो हसीना मलिक की पूरी टीम फुल अलर्ट पे है। देख रही हूँ और ये भी देख रही हूँ कि उन लोगों ने उन सबको यहाँ बुलाया है जिनके यहाँ हमने पहले चोरियाँ की हैं, पर ये नहीं जानते कि इतना आसान नहीं है हम तक पहुँचना। हम बेगम बादशाह हैं, हमेशा सबसे दो कदम आगे ही रहते हैं। संभल के। अरे 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 भाई साहब हमारा सिक्स सेंस ये क्यों कह रहा है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। संकु अभी जो वो एक लड़का काला चश्मा पहनकर और उसके हाथ में छड़ी है उसका तुमने आईडी चेक किया है? जी मैडम सबकी आईडी अच्छे से चेक हो रही है। ठीक है अलर्ट रहना। यहाँ से हम लोगों को अलग अलग रहना होगा। साथ में रहे तो लोगों की नजरों में आ जाएंगे और ड्रोन उड़ाना मुश्किल हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। जाओ 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 कोई गड़बड़ मत करना। देख के चल ले। हाँ नहीं तो इसको ज़ूम करो जल्दी करो। मैडम जी मैंने अभी अभी एक वो दिव्यांग व्यक्ति को देखा बट आई एम वेरी श्योर जी कि वो दिव्यांग नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है जी कि वही चोर है। हैं जी। अच्छा अब कहाँ देखा जी? एक दिव्यांग व्यक्ति को हमने जाते हुए देखा, उसके उसके आंख पे काला चश्मा था और उसके हाथ में एक छड़ी थी। हमें उस पर शक हुआ तो हमने उसका पीछा किया, पीछे की तरफ गया लेकिन पीछे कोई नहीं था। ओके फिलहाल हम वैसे भी इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इस भीड़ में बेगम और बादशाह कौन है ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। वो हरकत करेंगे तब हम उन्हें पकड़ सकते हैं। सब लोग अलर्ट पर रहिए, नजर रखिए हर जगह। जी चौकस रहिएगा पुष्पा जी। नजर आभा हीरा पर ही रहे, नजर हटी दुर्घटना घटी। वो ससुर बेगम बादशाह यहीं कहीं घात लगाए हुए होंगे हीरे के चक्कर में। भाई और बहनों नारायणी देवी ज्वेलर्स के सौजन्य से ना सिर्फ इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है बल्कि इसे और भी यादगार और बेहतरीन बनाने के लिए एक बहुत ही उत्कृष्ट और प्रतिभावान नृत्यांगना को भी आमंत्रित किया गया है। तो बंबई से आज की इस भव्य संध्या के लिए हमारे बीच पधारी हैं मशहूर नृत्यांगना क्या हुआ? पुष्पा जी काम दी थी ना उनसे नहीं हो पाया। मतलब क्या? हीरा चोरी हो गया मैडम सर। ओ माय गॉड अब तो त्याग पत्र देना ही पड़ेगा। कैसे हुआ ये सब? मैडम सर हमको लगता है ये वही दिव्यांग आदमी है जो अंदर घुसा था। अंदर गया लेकिन अंदर से बाहर नहीं आया और जब बाहर आया तो हमको लगता है वो एक डॉगी का गेटअप लेके बाहर आया। मैडम गेटअप? हाँ एक मिनट पुष्पा जी हम आपके पास आए थे ना, आपको तो बोले थे हम कि विशेष जाके हीरा का ख्याल रखिए। आप पर्सनली बोले थे? नहीं नहीं हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो यहाँ नाच कर रहे थे ना मैडम सर। इसका मतलब
ओके ठीक है, शांत रहिए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। पुष्पा जी एक्टिंग करने के लिए तैयार हो जाइए। अब बस बताइए मैडम सर, हमें और क्या करना है? ऐसी वैसी एक्टिंग नहीं करनी है। जब हम आपको कहेंगे भागिए तब आपको भागना है, हम आपको गोली मारेंगे और आप मरने की एक्टिंग करेंगे, क्लियर? फिर हमें गोली मत मारिए। सुनिए सुनिए, सब लोग ध्यान से सुनिए। वो जो दो चोर थे बेगम और बादशाह, जिन्होंने हीरा चुराया है, उसमें से मेन आदमी को हमने पकड़ लिया है, यही है चोर। चलो अब तुम्हें जेल की हवा खिलाते हैं। भागिए भागिए। हाँ भाई बेगम, पुष्पा जी थैंक यू। पुष्पा जी हाँ, हमारी कांस्टेबल। अब आप ये बताइए कि आपका असली बादशाह कहाँ है? कहाँ है बादशाह? यहाँ है। बादशाह बिना बेगम किस काम की और बेगम बिना बादशाह किस काम का? इधर आओ। बादशाह, हमारी शादी होगी, हमारी शादी जरूर होगी। आज वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम दोनों तो साथ हैं ना। हालात ने हमें चोर बनाया और हालात ही हमारी शादी करवाएंगे। हमारी शादी जरूर होगी। और मैडम, हम ये चोरी चकारी नहीं करना चाहते थे, बस लाइफ से कुछ एक्स्ट्रा मांग बैठे और एक्स्ट्रा मांगने के चक्कर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चोर बन गए। कि शॉर्टकट से तो ढंग की खिचड़ी तक नहीं बनती, तो लाइफ क्या बनेगी? और जब ये बात समझ में आ रही है तो हमारी जोड़ी जेल जा रही है। मैं जेल नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं मैडम, जेल से बाहर आएंगे, एक नई कहानी लिखेंगे। ये हमारे कहानी का अंत नहीं बल्कि हमारे कहानी की शुरुआत है। बड़े आए थे रूल ब्रेक करके चोरी करने, और मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। हमारा सोने का कलश कहाँ है? ओए, मेरी बेटी का हार निकाल निकाल। नहीं नहीं, आप उसकी चिंता मत कीजिए। सुनो, सारी शादी वादी जेल में जाकर करना, चीता संतोष ले जाओ इन्हें। आइए लेके जाओ इन्हें। चलिए चलिए, जेल में लिखा है। नहीं नहीं, मैडम जी हमारा सामान। आप अपने सामान की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। I'll make sure कि आप सबको अपना सामान मिल जाए, ठीक है? पक्का? बिल्कुल पक्का। ओके चलिए जी बाबा जी, थैंक यू सो मच। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला जी। चोर भी पकड़े गए और हमें हमारा सामान भी मिल जाएगा। हसीना जी दिल से थैंक यू। करिश्मा जी, जी आपको भी दिल से थैंक यू। इनफैक्ट आप सभी को दिल से थैंक यू, आप सभी लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया। वैसे तो मैं हैंडशेक करती हूँ, पर आज दिल कर रहा है कि आप सभी को सल्यूट करूँ जी।